उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का ये कहना था कि चुनावों के ऐलान के बाद का समय हवा को आंधी में बदलने का होता है। इस आंधी में जिसके पांव उखड़ जाते हैं वो उड़ जाता है। अब देखिए, 8 जनवरी को चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, उसके बाद से एक के बाद एक कई नेता बीजेपी का दामन छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्या इन नेताओं का पलायन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब नहीं बन सकता है? आंधी नहीं आ सकती? अठारह साल में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं, वो भी अयोध्या नहीं बल्कि अपने ही क्षेत्र गोरखपुर से। इस ऐलान की 24 घंटे पहले की यह तस्वीर है, जब समरसता भोज की सियासत में दलित कार्यकर्ता के घर उनके पिता को साथ बैठाकर मुख्यमंत्री खिचड़ी खाते हैं। अब इस खिचड़ी का भी लखनऊ की लड़ाई में एक एंगल है। एंगल ये कि उत्तर प्रदेश में जिसने SC/ST रिजर्व सीटों में 65% जीत ली, सरकार उसकी बनी। जैसे 2007 में 89 रिजर्व सीट में से 61 में जीत मायावती की पार्टी की हुई, मुख्यमंत्री भी मायावती बनी। 2012 में 85 रिजर्व सीट थी, 58 अखिलेश यादव ने जीती, मुख्यमंत्री अखिलेश बने। 2017 में 86 रिजर्व सीट में से 70 बीजेपी के हिस्से में आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए। तो क्या ये OBC वोट के रत्ती भर खिसकने से पहले की बीजेपी की तैयारी है? और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे, तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी को पता है कि पिछड़ों का वोट कितना अहम है, इसीलिए प्रधानमंत्री के हाथों सफाई कर्मियों के पैर धोते और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मजदूरों पर फूल बरसाती तस्वीर के साथ बीजेपी UP के मुखिया ट्वीट करके OBC समाज का सम्मान बीजेपी में ही बता चुके हैं। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां तो खड़ी हुई हैं। इस बात का सबूत ये कि बीजेपी परसेप्शन की पॉलिटिक्स में रत्ती भर कमजोर न पड़े, इसलिए बहुत तेजी से काउंटर पॉलिटिक्स कर रही है। जैसे ऐसी हलचल मची कि बीजेपी टिकट के ऐलान में पिछड़ रही है, तो फिर पार्टी ने तुरंत दो चरणों की 107 सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ज्यादा विधायकों के टिकट कटने के दावों से एक हलचल पार्टी के भीतर मची थी। ऐसे में पहले दो चरण में सिर्फ 20 विधायकों के ही टिकट कटे हैं, 63 सिटिंग विधायक को टिकट दिया गया है। पिछड़े दलित नेताओं की उपेक्षा का दावा करते हुए कुछ मंत्री विधायक चले गए, तो पहले दो चरण की 107 सीटों पर 68% टिकट OBC/ST उम्मीदवारों को दे दिया, जिनमें 44 सबसे ज्यादा टिकट पिछड़े वर्ग से आने वाले कैंडिडेट को ही बीजेपी ने दिया है। क्या ये सारी कोशिश इसलिए क्योंकि पिछड़े वर्ग के नेताओं के जाने और छोटे दलों से अखिलेश यादव का गठबंधन बीजेपी के लिए इस बार किसी तरह की चुनौती बन सकता है? बीजेपी का अगर हम प्रदर्शन देखें यूपी में, चाहे वो 2014 का चुनाव है, 2019 का लोकसभा चुनाव या 2017 का विधानसभा चुनाव, इन चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। इस बड़ी जीत के पीछे एक वजह थी लोअर ओबीसी का वोट। अब अगर ये लोअर ओबीसी के नेता बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, स्वाभाविक है इसका नुकसान बीजेपी को होगा। जब ये नेता बीजेपी को छोड़ दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उनके समर्थक भी जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इनके सारे के सारे समर्थक उनके साथ चले जाएंगे और सारे लोअर ओबीसी के वोटर अब समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन नुकसान तो होता हुआ सीधा सीधा बीजेपी को दिखाई पड़ता है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ये प्रचार हो कि ये पार्टी दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, तो उसके लिए किसी को तथ्य प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। केवल परसेप्शन ही काफी है कि इतने लोग छोड़ गए, इसलिए भाजपा जरूर ओबीसी विरोधी रही होगी। तो मुझे लगता है इस परसेप्शन से लड़ने के लिए
भारतीय जनता पार्टी को तुरंत ही कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि वो ये स्थापित कर सके कि उनके अब तक के कार्यकाल में ओबीसी के हितों के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ है। और अगर ऐसा वे करते हैं तब भी ये परसेप्शन तो बना ही रहेगा कि अगर ऐसा था तो चुनाव के ठीक पहले इतने लोग पार्टी छोड़कर क्यों गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछड़े वर्ग को संभालना इसलिए भी चुनौती है क्योंकि दावा है कि 10 से 12 फीसदी की वोट की ताकत रखने वाला ब्राह्मण वोटर भी नाराज है। ये बात खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई मुलाकात में पार्टी के ब्राह्मण मंत्रियों और बड़े नेताओं ने सीधे आलाकमान को बताई। 20% में वो ब्राह्मण भी हैं जो कहा जा रहा है आपसे नाराज है। मुझसे कोई नाराज नहीं है, ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, समाज को मार्गदर्शक है और समाज का मार्गदर्शक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण होने से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? गरीब कन्याओं की शादी हो रही है, क्या इससे ब्राह्मण नाराज होगा? 15 करोड़ रोगों को फ्री में अन्न मिल रहा, क्या इससे ब्राह्मण नाराज होगा? ये बातें वे लोग करते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं। 82% ब्राह्मण और 40% ओबीसी जहां मुखर होकर बीजेपी को सत्ता दिलाते आ रहे हैं, वहां भले 2017 में बीजेपी 40% कुल वोट पाकर 300 के पार पहुंच जाए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर 10% वोट बीजेपी का खिसके और 10% वोट अखिलेश यादव पहले के मुकाबले गेन करते हैं तो सत्ता के समीकरण लखनऊ की लड़ाई में बदल सकते हैं।